हे गाइस, मैं आज आपको सब सोयाबीन की सब्जी बनाना बता रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने गैस को ऑन कर लिया था, फिर उसमें कढ़ाई रखी और मैंने इसमें ऑयल एंड जीरे डाई एंड लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया था। ये अच्छे से फ्राई हो जाए, हम देख सकते हैं। इसमें ऑनियन एंड टमाटो की ग्रेवी डालूँगी, ग्रेवी अच्छे से हो जाएगा। अब ये अच्छे से नहीं हुई है तो देख सकते हैं, एंड ये आधी हो चुकी है। थोड़ा सा और होना है इसको प्याज को। एंड मम्मी ने मेरी एक ट्रिक बताई है कि जब प्याज तेल छोड़ने लगे तो समझ जाओ हो गई। तो अभी तो इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डाला था, थोड़ा सा और फ्राई हो जाए फिर इसमें मैं टमाटर की ग्रेवी एंड सभी मसाले में टमाटर की ग्रेवी मिला के इसमें डाल दूँगी। तो थोड़ी सी और हो जाए, थोड़ा सा इसमें ब्राउनपन ज़्यादा आ जाए थोड़ा सा, इसमें मैं टमाटर की ग्रेवी डाल दूँगी। एंड ये हो चुकी है, काफ़ी ब्राउन हो गई है। अब मैं इसमें ये टमाटर की ग्रेवी, इसमें मैंने सभी मसाले ऑलरेडी पहले से ही मिला के रखे थे, तो मैं मसाला बता देती हूँ मैंने इसमें क्या क्या मिलाया था। इतना अच्छा कलर दिखा है इस ग्रेवी का। तो मैंने इसमें धनिया, नमक, हल्दी, चंदी चाट मसाला, गरम मसाला, बस यही छोटी छोटी चीज़ें मिला दी थी, ज़्यादा कुछ मिलाया नहीं मैंने इसमें, सभी मसाले मिला दिए थे। सो ग्रेवी का कलर कितना अच्छा आया है सो आप देख सकते हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा गैस फ्लेम हाई करूँगी। इसमें ये ऑनियन की ग्रेवी तो अच्छे से हो गई थी, एंड ये टमाटर की मैंने जो ग्रेवी डाली है और इसमें जो सारे मसाले डाले हैं वो भी अच्छे से हो जाएं। सो आप देख सकते हैं इसका कलर काफ़ी अच्छा आया है। एंड मैंने ये सोयाबीन पहले से ही पानी में डाल के रखे थे, जो ये अच्छे सॉफ्ट ही हो गए हैं। एंड इनका इसमें अभी भी पानी है अंदर, तो इनको ऐसे मैश करके इनका पानी निकाल लेंगे इस तरह से। इसको मैश करके इसका सारा पानी निकाल देंगे, जिसमें ये पानी मतलब इसके अंदर ना रहे, ग्रेवी भरनी है इसके अंदर, ये ग्रेवी में डाल देंगे। एंड इस तरह से मैं इसमें मैश कर लूँगी, जिसमें इसका ये सारा पानी, एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। फिर ये सोयाबीन मैं ग्रेवी में डालूँगी इस तरह। एंड हमारा ये मसाला भी तैयार हो चुका है, एंड हमारी ग्रेवी हो चुकी है। तो मैं इसमें थोड़ी थोड़ी करके ये सोयाबीन डालूँगी, फिर इनको मिला दूँगी इस तरह से। मैंने इसको फ्राई नहीं किया है, कुछ लोग इसको फ्राई करके डालते हैं, मैंने नहीं किया है। एंड मैं अगेन इसे डालूँगी, मैंने अभी सारे मसाले में मिला दिए हैं और मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी इसमें, अच्छे से मसाले में मिक्स हो जाए एंड मसाला सोयाबीन में अच्छे से मिल जाए और उसका टेस्ट आ जाए। सो आप देख सकते हैं मैं इसको अच्छे से मिला दिया है, एंड इसमें मैंने 1/4 का पानी डाला है। ये इस तरह से हो गया है। अब मैंने जो इसमें पानी डाला है वो अच्छे से वो मसाला इसमें मिल जाए, इसीलिए मैं इसको 10 मिनट के लिए रख रही हूँ। एंड ये कुछ लोग थोड़ा ग्रेवी जैसे खाते हैं और हमारे यहाँ थोड़ा सा इसमें जिसको रसीली सब्जी बोलते हैं वैसे खाते हैं सोयाबीन को। तो मैं इसमें थोड़ा सा ये पानी सोख ले, फिर थोड़ा सा वाटर और मिला दूँगी इसमें, ये अच्छे से हो जाए। तो इसमें बबल आने शुरू हो गए हैं। इसमें एक गिलास पानी मैं और डाल दूँगी, एंड अगर मैंने इसमें एक गिलास पानी और डाल दिया है, जिसमें थोड़ा सा पानी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया है, जिसमें थोड़ी सी रसीली सब्जी जैसे बन जाए। फिर मैं इसको फिर 10 मिनट के लिए रख दूँगी फिर। एंड ये हो चुकी है हमारी सब्जी सोयाबीन की। सो मैं
सर्व करने के लिए निकाल दूंगी गर्मा गर्म। एंड जो भी मैंने इसमें मसाले डाले थे उसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी, एंड मैंने इसको सर्व करने के लिए निकाल लिया है। और सबसे मैं अपनी फेवरेट चीज़ डालने जा रही हूँ जो है धनिया, जो किसी भी सब्जी को बहुत ही टेस्टी बना देती है। सो मेरी फेवरेट जो इसका टेस्ट बढ़ा देगी। सो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको किस चीज़ की, किस वेजिटेबल की सब्ज़ी पसंद है। मुझसे अगर मुझसे हुआ तो मैं उसकी वीडियो जरूर बताऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।